रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमने कम्प्लैक्स एनालिसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है जीटा फंक्शन जीटा फंक्शन क्या होता है द फंक्शन विच इज़ डिफ़ाइंड बाय जीटा ऑफ जी इज इक्वल टू स्मिशन एन इज़ इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाय एन रेज टू पार जी मतलब कोई भी फंक्शन आपके पास जो इस फॉर्म में है स्मिशन एन इज़ इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाय एन रेज टू पार जी उसको हम क्या बोलते हैं जीटा फंक्शन बोलते हैं अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है वो गिवन है शो दैट जीटो ऑफ जी इज ईक्वल टू वन बाय गेम ऑफ जी इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू पार जी माइनस वन डिवाइडेड बाय ई रेस टू पार टी माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू टी बाय द हेल्प ऑफ द जीटा फंक्शन डेफिनेशन आपने जीटा फंक्शन की ये जो डेफिनेशन है ये वाली जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है इसको यूज़ करते हुए आपने ये रिज़ल्ट अपना प्रूव करना है ठीक है तो हम हमें एक रिज़ल्ट पता है उसे यहाँ पर यूज़ करते हैं और अपने इस रिज़ल्ट को प्रूव करते हैं तो लिखिएगा एज़ वी नो दैट एज़ वी नो दैट इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पार माइनस एन टी टी रेज टू पार जी माइनस वन डी टी ये किसकी इक्वल होता है ये आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो याद रखनी पड़ेगी आपने शायद पहले ड्राइव भी की हुई वन बाई एन रेज टू पार जी मैं पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पार माइनस एन टी टी रेज टू पार जी माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू टी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू वन बाय एन रेज टू पार जी इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पार माइनस टी टी रेज टू पार जी माइनस वन टी रेज टू पार जी माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू टी अब ये वाली जो चीज है वन बाय एन रेस टू पार जी तो ये आ गया ये जो है ये आपके पास गेमा ऑफ जी की डेफिनेशन बन गई है ठीक है ये आपके पास गेमा ऑफ जी की डेफिनेशन बन गई है बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है गैमा फंक्शन की डेफिनेशन किस गैमा ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनी ई रेस टू पार माइनस टी टी रेस टू पार एक्स माइनस वन तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ रहा है जी आ रहा है तो ये फिर क्या बन जाएगा गेमा ऑफ जी बन जाएगा तो यहां से आपके पास आया दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू पार माइनस एन टी टी रेस टू पार जी माइनस वन विद रिस्पेक्ट टू टी दिस इज इक्वल्स टू गैमा ऑफ जी डिवाइडेड बाय एन रेस टू पार जी अब हम क्या करते हैं हम दोनों साइड पे स्मिशन ले लेते हैं नाउ टेकिंग स्मिशन एन इज इक्वल टू वन टू एम ऑन बोथ साइड वी गैट दोनों साइड पे हम क्या करते हैं हम अपना स्मिशन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्मिशन एन इज इक्वल टू वन टू एम वन बाय एन रेस टू पार जी गैमा ऑफ जी इस पे भी ले लेते हैं और दूसरी जो आपकी साइड है उस पर भी ले लेते हैं इज इक्वल टू स्मिशन एन इज इक्वल टू वन टू एम इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू पार माइनस एन टी टी रेज टू पार जी माइनस वन डी टी तो यहां से आपके पास आ गया स्मिशन एन इज इक्वल टू वन टू एम वन बाय एन रेज टू पार जी गैमा ऑफ जी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी टी रेस टू पार जी माइनस वन अब देखिए स्मिशन किस पे अप्लाई होगा जिसमें एन मौजूद होगा तो एन तो ई रेस टू पार माइनस एन टी पे है तो स्मिशन क्या आ जाएगा स्मिशन एन इज इक्वल टू वन टू एम ई रेस टू पार माइनस एन टी विद रिस्पेक्ट टू टी अब अगर आप इस को ओपन करें रफली मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये हमारे पास फाइनाइट जोमेट्रिक सीरीज बनती है फाइनाइट जोमेट्रिक सीरीज अगर बनती है तो उसका सम निकालने का हमने फार्मूला पड़ा हुआ है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो अगर आप उसको इक्वेशन वन का नाम दें जो ऊपर हमारे पास बनी उसे इक्वेशन वन का नाम दे दें दे। अब अगर आप देखें ना इस एन इज़ इक्वल टू वन टू एम ई रेस टू पार माइनस एन टी इसको अगर हम ओपन करें तो पहले एन को वैल्यू वन दें तो ई रेस टू पार माइनस टी आ जाएगा फिर आप एन को वैल्यू टू देंगे तो ई रेस टू पार माइनस टू टी आ जाएगा फिर आ, आप एन को वैल्यू थ्री देंगे तो ई रेस टू पार माइनस थ्री अप टू सो आ लास्ट पे एन को वैल्यू आपने क्या देनी है एम क्योंकि आपने वन से एम तक जाना है तो जब आप एम देंगे तो ई रेस टू पार माइनस एम टी आ जाएगा अब अगर आप देखें तो ये जो सीरीज बन रही है क्योंकि इसकी कॉमन रेशियो जो है इसकी जो आप अगर कॉमन रेश्यो निकालते हैं ना वो क्या ई रेस टू पार माइनस हर अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करें तो ई रेस टू पार माइनस टू टी डिवाइडेड बाई ई रेस टू पार्ट माइनस टी तो ई रेस टू पार माइनस टी आ जाएगा इसी तरीके से अगर आप ई रेस टूपार माइनस थ्री टी को डिवाइड करते हैं ई रेस टूपार माइनस टू टी से तो फिर भी आपके पास ई रेस्टूपा माइनस टी आ रहा है तो ये बता रही है ये जो हमारे पास इस तरह की आप सॉल्व uh, करने पे देख रहे हैं कि हमारी जो रेशियो है इनको हम जब हरगदी uh, टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम आंसर आ रहा है ठीक है और इनके दरमियान प्लस भी आ रहा है और ये फाइनाइट भी है तो इसका मतलब है कि ये फ़ाइनाइट जोमेट्रिक सीरीज़ है और फाइनाइट जोमेट्रिक सीरीज़ का जो फार्मूला है सम निकालने का वो क्या है हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं फर्स्ट टर्म जो भी होती है उसको लिखते हैं वन माइनस आर रेस टू पार जो तादाद होती है नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय वन माइनस आर आर क्या होती है यहाँ पे कॉमन रेशो अच्छा अब जो पहली टर्म है अगर आप देखें तो वो ई रेस टू पार माइनस टी है तो ये सारा काम आप रफ पे कर सकते हैं ई रेस टू पार माइनस टी है वन माइनस आर रेज टू पार एन जो आर है कॉमन रेशियो अभी हमने डिस्कस की कॉमन रेशियो क्या बनती है ई रेस टू पार माइनस टी तो ई रेस टू पार माइनस टी और टोटल टर्म्स देखें वन टू थ्री अप टू सो सन एम तक जा रही है तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है एम है डिवाइडेड बाय न माइनस ई रेस टू पार माइनस टी तो यहां पे क्या आ जाएगा ई रेस टू पार माइनस टी वन माइनस ई रेस टू पार माइनस एम टी डिडेड बाई वन माइनस ई रेस टू पार माइनस टी अब इसको हम यूज करते हैं यूजिंग इन इक्वेशन वन हुई अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसको हम यहाँ कहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन वन के अंदर तो मैंशन कीजिएगा यूजिंग इन इक्वेशन नंबर वन तो यहां से क्या आ जाएगा स्मिशन एन इज इक्वल टू वन टू एम वन बाय एन रेज टू पार जी गैमा ऑफ जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी टी रेज टू पार जी माइनस वन और इसका आंसर क्या आया है ई रेज टू पार माइनस टी वन माइनस ई रेज टू पार माइनस एम टी डिवाइडेड बाय वन माइनस ई रेज टू पार माइनस टी और लास्ट पे विद रिस्पेक्ट टू टी अब हम क्या ले लेते हैं हम आ, हमने क्योंकि जीटा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करनी है ना और उसमें जो एन है वो हमारे पास वन से इन्फिनिटी तक अप्रोच करता है तो अब हम क्या ले देते हैं हम कहते हैं कि टेकिंग टू टेक एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मिशन एन इज इक्वल टू वन से एम नहीं बल्कि वन से इन्फिनिटी हो जाएगा वन बाय एन रेज टू पार जी गेमा ऑफ जी दिस इज इक्वल्स टू इंटैग्र जीरो टू इन्फिनिटी टी रेज टू पार जी माइनस वन ई रेज टू पार माइनस टी वन माइनस ई रेस टू पार माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा जब आप एम की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो बाय माइनस भी है ना तो माइनस इन्फिनिटी और टी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आपके पास माइनस इन्फिटी ही आएगा डिवाइडेड बाय वन माइनस ई रेस टू पार माइनस टी डी टी अब ई रेस टू पार माइनस इंफिनिटी किसकी इक्वल होगा जीरो की इक्वल होगा तो यहाँ से इस एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाय एन रेज टू पार जी गेमा ऑफ जी दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल जीरो टू इंफिनिटी टी रेज टू पार जी माइनस वन ई टू पार माइनस टी वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन माइनस ई टू पार माइनस टी डी टी अच्छा अब जो स्मिशन वन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनी वन बाई एन जी ये जीटा फंक्शन बन गया तो हम जीटा फंक्शन को पुट कर देते हैं और साथ क्या है आपके पास गेमा ऑफ जी दिस इज इक्वल्स टू इंटेग्रल जीरो टू इन्फिटी टी रेस टू पार जी माइनस वन ई रेज टू पार माइनस टी एन एस को नीचे ले आए तो ये क्या बन जाएगा ई रेस टू पार प्लस टी इसको मल्टीप्लाई कर दें वन माइनस ई रेस टू पार माइनस टी से तो यहाँ से जीटा फंक्शन किसकी इक्वल आ जाएगा वन बाय गेमा ऑफ जी गैमो ऑफ जी उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इंटेग्रल जीरो टू इन्फिनीटी टी रेस टू पार्ट जी माइनस वन डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई करें तो ई रेस टू पार्ट टी माइनस ई रेस टू पार्ट टी माइनस टी आ जाएगा वैसे सेम होना तो पार्स ऐड हो जाती हैं तो यहाँ से फिर आपके पास जो जीटा फंक्शन है वो क्या आ जाएगा वन बाय गेमा ऑफ जी इंटेग्रेल जीरो टू इन्फिनिटी टी रेस टू पार जी माइनस वन डिवाइडेड बाय ई रेस टू पार टी माइनस ई रेस टू पार जीरो विच इज इक्वल टू वन तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आ गया हमें क्या प्रूव करना था जीटा फंक्शन किसकी इक्वल है वन ओवर गेमो ऑफ जी इंटेग्रेल जीरो टू इन्फिनिटी टी रेस टू पार जी माइनस वन डिवाइडेड बाय ई रेस टू पार टी माइनस वन एज रिक्वायर्ड नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ जीटा फंक्शन के हमारे पास जीटा फंक्शन किसके लिए जो है वो कन्वर्ज करेगा ठीक है कौन से इंटरवल के लिए ये कहाँ कहाँ पे कन्वर्ज करेगा तो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं अब जीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम यूज़ करते हैं एज वी नो दैट एज वी नो दैट जीटा फंक्शन इज इक्वल टू स्मिशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनीटी वन बाई एन रेज टू पारजी या आपके पास जीटा फंक्शन की डेफिनेशन है वी कैन राइट हम इसे क्या लिख सकते हैं अब किसको क्या लिख सकते हैं एन रेज टू पार जी इस तरह की आप लोगों ने पहले भी चीज़ें जो है वो पढ़ी हुई हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लिखते आए हैं मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना ई रेज टू पार ई रेस टू पार नेचुर लाग ऑफ एन रेज टू पारी क्योंकि लाग और एंटी टी लाग एक दूसरे का रेसिप्रोकल एक दूसरे को खत्म कर देंगे एन रेज टू पार जी बचता है तो अब इसको देखें तो इसमें हम लिख सकते हैं ई रेज टू पार जी नेचुर लाग ऑफ एन अब ये जो चीज़ है नाव मार डाफ एन रेस टू पार जी ये किसकी इक्वल होगा ई रेस टू पार दोनों तरफ मार्ड ले लें अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ रफली आपको यहाँ पे बताती हूँ कि ये जो चीज है इसको मैं लिख सकती हूँ ई रेस टू पार रियल पार्ट ऑफ जी नेचर लॉग ऑफ एन मतलब ये ये जो पूरी चीज़ है इसकी इक्वल होती है ये कैसे होती है ये यहाँ पे चेक कीजिएगा अगर न हम पुट करें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई तो ई रेस टू पार z नेचर लाग ऑफ n ये क्या हो जाएगा ई रेस टू पार x प्लस आयोटा वाई और साथ क्या आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ n आ रहा है मल्टीप्लाई करें तो ई रेस टू पार एक्स नेचर लाग ऑफ एन प्लस आयोटा वाई नेचरलफ n तो ये आ जाएगा आपके पास ई रेस टू पार x नेचर लाग ऑफ n इन टू ई रेस टू पार आयोटा वाई नेचर लाग ऑफ एन ठीक है ऐसे आ जाएगा ना तो अब अगर ई e रे सुपार आयोटा थीटा आपने पढ़ा हुआ है कि इसकी इक्वल होता है कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसे ओपन करें तो ये क्या बनता है काज वाई नेचर ऑफ फेन प्लस आयोटा साइन वाई नेचर ऑफ फेन अब अगर आप मार्ड ले लें ठीक है आपको तो मार्ड का आंसर चाहिए दोनों तरफ मार्ड ले लें तो ये तो रियल नंबर है इसका मार्ड है ये भी सिंपल ऐसे ही बाहर आ जाएगा या मार्ड के अंदर लिख दें कोई इसमें वो नहीं है और इसमें अगर इसका मार्ड लें काज वाई नेचुर आगा फैन ये एंगल है आपका ये बाई नेचुर आगा फैन एंगल है तो जब आप इसका लेंगे कास वाई नेचर लागा फैन प्लस आयोटा साइन वाई एन नेचर लागा फैन तो कम्प्लेक्स नंबर का मार्ट कैसे लेते हैं रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केयर और होल रूट तो ये बनेगा काज स्केयर वाई नेचर लागा फैन प्लस साइन स्केयर वाई नेचर लागा फैन काज स्केयर प्लस साइंस केयर इक्वल टू वन होता है तो इस पूरे का आंसर जो है वो वन आ जाएगा तो वन मल्टीप्लाई बाय मार्ट ऑफ ई रेस्ट बार एक्स नेचर वो एक्स नेचर लॉग ऑफ एन का मार्ड ही बन जाएगा और एक्स क्या है दैट इज द रियल पार्ट ऑफ जी तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना इ रेस टू पार रियल पार्ट ऑफ जी इन टू नेचर लॉग ऑफ एन तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये चीज मैंने लिखी है अच्छा अब इसको क्या लिखा जा सकता है ई रेस टू पार नेचरल ऑग ऑफ एन और उसकी पार रियल पार्ट अगर पहले कोई आपके पास लॉक से पहले चीज़ मौजूद है तो उसे नंबर की पार बना सकते हैं ये कैंसिल तो ये आपके पास आ जाएगा एन रियल पार्ट ऑफ जी तो जो हमारे पास एन रेस टू पार जी है उसका मार्ड किसकी इक्वल है मार्ड ऑफ एन रेस टू पार रियल पार्ट ऑफ जी अब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं नाव वन बाय एन रेज टू पार जी उसका मान क्योंकि जो जीटा फंक्शन है उसमें वन बाय एन रेज टू पार जी है तो हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वन बाय एन रेज टू पार रियल पार्ट ऑफ जी अच्छा अब दोनों साइड पे स्मिशन ले लें ले ताकि जीटा फंक्शन की डेफिनेशन बन जाए अब यहां पे देखें तो रियल पार्ट ऑफ जी है ठीक है रियल पार्ट ऑफ जी जब आप लेंगे उन्हें तो आपको बोला है कि आप उसमें मार्ड ना भी पुट करें जैसे मार्ड ऑफ एक्स है मार्ड ऑफ टू है तो वो आपके पास उसका आंसर टू ही आएगा ठीक है सिंपल अगर वो लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना दिस इज इक्वल्स टू स्मिशन एन इज इक्वल टू तो वन टू इन्फिनिटी वन डिवाइडेड बाय एन रेज टू पार रियल पार्ट ऑफ जी से लिखे, लिखा जा सकता है ना वन डिवाइडेड बाई एन रेज टू पार रियल पार्ट ऑफ़ जी अब ये अगर आप देखें तो ये आप लोगों ने एक सीरीज़ पढ़ी हुई है मिशन वन बाई एन रेज टू पार पी तो उसमें आपने कहा था कि पी सीरीज़ इस जिस, जिसे कहते हैं कि पी ग्रेटर देन वन के लिए सीरीज़ क्या करती है कन्वर्ज करती है तो इसका यहाँ पे हम वो हवाला देंगे एज वी नो दैट स्मिशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनीटी वन बाई एन रेज टू पार रियल पार्ट ऑफ जी कन्वर्जिस ये किसके लिए कन्वर्ज करेगी जब एन की पार में जो भी है वो क्या हो ग्रेटर देन वन हो फॉर रियल पार्ट ऑफ जी ग्रेटर देन वन तो इसका क्या मतलब हुआ क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये इसकी इक्वल है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो जीटा ऑफ जी है वो कन्वर्ज करेगा जब रियल पार्ट ऑफ जी क्या होगा ग्रेटर देन वन होगा दस यहाँ पर आप लास्ट में मैंशन कर देंगे दस जीटा ऑफ जी इज इक्वल टू स्मिशन एन इज इक्वल टू वन टू वन बाय एन पार जी कन्वर्जेस अपसलूटली क्योंकि अपस्लूट वैल्यूज को हमने चेक किया ना मार्ट जो पुट किया हुआ था तो ये अब कन्वर्ज करेगी फॉर रियल पार्ट ऑफ जी ग्रेटर देन वन सो वी कंक्लूड दैट जीटा ऑफ जी कन्वर्जेज हम क्या कंक्लूड करेंगे ये कन्वर्ज करती है किसके लिए फॉर रियल पार्ट ऑफ जी ग्रेटर दैन वन तो यही हमने इसने कन्वर्जेंस के बारे में बताना था मीन्स हमारा जो जीटा फंक्शन है वो रियल पार्ट ऑफ़ जी ग्रेटर देन वन के लिए क्या करता है कन्वर्ज करता है ठीक है तो आप लोगों ने इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा अल्लाह हाफिज़